भी सीताराम गोयल जी की किताब पढ़ रहा था मैं, हिंदू कैसे बना, वाजपेयी जी ने नेहरू को लिए बचाने के लिए क्या क्या कर्म कुकर्म की, नाम वाजपेयी जी का नहीं है लेकिन संकेत मिलते हैं। और जब रूस का जब इनकी सरकार बनी, जो वाजपेयी जी मंत्री बने थे, तो रूस ने कहा हमसे बड़े समाजवादी तो वाजपेयी जी। और उसका एक बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया है, आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा उस समय ये देखिए, जनता सरकार के दौरान जब सोवियत राष्ट्रपति कोसिगिन भारत आए तो वे दुविधा में थे कि विदेश मंत्री वाजपेयी से मतलब कैसे मिले, क्योंकि वे तो प्रतिक्रियावादी है हिंदू, किंतु जब मंत्री मिले तो बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कोट कहा अखबारों में, यह व्यक्ति तो हम भारत में हमारे कम्युनिस्ट कामरेडों से भी अधिक प्रगतिशील, भारतीय भाजपा के और वाजपेयी जी के लिए कि ये तो कम्युनिस्ट से भी बड़ा कम्युनिस्ट है। और सुनिए क्यों, उस समय मास्को में भारतीय राजदूत को वापस बुलाने की मांग चल रही थी, मास्को में जो भारत के राजदूत थे जिसे इंदिरा गांधी शासन के दौरान नियुक्त किया गया था, और ये कहा गया कि वो भारत का राजदूत नहीं, वो तो मास्को का राजदूत बन गया, उसे भारत के राजदूत के बदले मास्को का आदमी समझा जा रहा था, लेकिन मंत्री जी हमारे वाजपेयी जी अड़ गए, बिल्कुल नहीं, वो मेरे सबसे अच्छे मित्रों में है, और रूस खुश हुआ। उसके बाद एक जाने माने स्तंभकार को जो हिंदू विरोधी था, जैसे आज हिंदू के समर्थक आप देखिएगा, हिंदू हिंदू के जो विरोधी थे, एम जी अकबर हो या फिर आपके कुलदीप नैयर हो, अकबर मंत्री बने, कुलदीप नैयर को पद्म विभूषण दिया गया, और नरेंद्र कोहली जो पूरे जीवन राम कथा लिखते रहे उनको पद्म श्री दिया गया, उनसे छोटा पुरस्कार। और कुलदीप नैयर जिसको खुद गृह मंत्री अमित शाह खुद मिलने गए भाजपा अध्यक्ष के नाते, वो अगले दिन फिर भाजपा को गाली दिए, उन्हें विभूषण त्रिभूषण दिया गया। तो ये पुरानी कहानी है संघ की, सुनिए। आजीवन हिंदू निंदक रहा था और हर इस्लामिक उद्देश्य में उसका समर्थक था, उसे राज्यसभा में लाने के लिए वाजपेयी जी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था। और विदेश मंत्रालय में जब वो नहीं हुए तो एक सैयद शहाबुद्दीन को राज्यसभा में भेजकर ये कहा कि सही प्रकार का मुस्लिम नेता है जिसे हम ढूंढ के लाएंगे, ये पुरानी बीमारी है, इस बीमारी को ठीक करना हमें होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जनसंघ से चुनाव भी लड़े थे सीताराम गोयल, आप पढ़िएगा तो आपके आंख से आंसू आएगा कि हम क्या समझते हैं और क्या क्या है मामला। वो कांग्रेस के नटबोल्ट खोलने से लेकर संघ भाजपा जनसंघ तक के नटबोल्ट खुले, कि वास्तव में वो कहते हैं कि हमें मुसलमानों का विरोध नहीं करना चाहिए, वो उस जमाने से ये इस जमाने तक। और इसीलिए आपको कल मैंने आपको दिया तो कुछ लोगों को बुरा लगा, जो धर्मांतरण करने का दोषी है वो इमरान प्रधानमंत्री के मंच पर चला जाता है बिना जांच पड़ताल के। क्या खुफिया एजेंसी मर गई, कौन वहां उसको पहुंचा रहा है? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री से कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं मिल सकता। मुझे खुद पीएमओ कार्यालय से फोन आया हुआ कि प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलेंगे, चार बार पूरी छानबीन हुई थी, ये अलग बाद में चुनाव आ गया तो मैं मिलने नहीं जा पाया, इतनी छानबीन हुई थी। तो छानबीन होती है महोदय जो लोग कुतर्क कर रहे हैं। और बंगाल में चुनाव के बीच में गोल टोपी वाला कान प्रधानमंत्री में कान में कहता है, ये ऐसे कोई चला जाएगा हवाई जहाज प्रधानमंत्री से मिलने? ये प्रतीकवाद संघ की पुरानी आदत है, इसको हमें एक ही पार्टी है इसको रास्ते पर लाना होगा। लोहार जब तक ठोकता नहीं जी सुना, तब तक सोना का जो लोहे से नहीं मारता, तब तो गहना आभूषण का रूप नहीं लगता है। ठोको इनको तब जाके ये गहने का रूप ले पाएंगे, वरना अपने हित के लिए मरते रहोगे, आपका भी हित। ये इसीलिए कह रहा हूं, अगर कोई पढ़ सकता हो हाय कपोत पे, मैं हिंदू कैसे बना, एक एक के काले चेहरे आपको इसमें दिख जाएंगे, एक एक के। कांग्रेस का, नेहरू का तो आप भिन्न हो जाओगे, आपका महात्मा गांधी का, आर्य समाज का, और संघ का, जनसंघ का, भाजपा का, सबकी यात्रा। और हमारे इस काल में हिंदू हितों के लिए लिखने वाले बड़े नाम में से एक नाम है सीताराम गोयल। इसलिए ये पुरानी बीमारी है, इसको ठीक करना होगा, क्योंकि वो खुद गांधीवादी समाजवाद भाजपा का मूल विचार है। इसलिए संविधान संशोधन जब हुआ 42वां, तो सब कुछ संशोधन हो गया, लेकिन समाजवाद और सेकुलरिज्म जनता पार्टी ने रहने दिया, जिसमें जनसंघ की दो दो तीन तीन बड़े मंत्री थे, वाजपेयी अडवाणी सब समाजवाद पे रिझे रहते। इसीलिए और जब वो कह रहे थे, जब नेहरू पे वो लिखना शुरू किए तो संघ ने बहुत फटकार लगाई, 15-16 लव लेख, आपको नेहरू के अलावा कुछ सूझता नहीं, आपको इस्लाम के अलावा कुछ सूझता नहीं। मुझे याद आ गया कि महेंद्रनाथ पांडे उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए मेरे कहानी कम्युनिस्टों की लोकार्पण से इसलिए भागे थे कि आपको नेहरू को गाली दे रहे, ये पुरानी बीमारी है।
सीताराम गोयल जी के 60-70 के दशक में जो कहा कि नेहरू को क्यों गाली दे रहे हो जनसंघ ने और संघ ने, मुझे आज कहानी कम्युनिस्टों के में भी मेरे किताब के लोकार्पण से भागे कि नेहरू को क्यों गाली दे रहे। समझ में आया? तो ये बहुत, इसको जितना पढ़ोगे उतना जानोगे, नहीं पढ़ोगे तो अंधेरे का तो कोई नहीं होता, अंधेरा अपना ही नहीं होता। इस पूरी किताब के में आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि उस समय शिक्षा राज्य मंत्री थे महेंद्रनाथ पांडे, वो भाग गए बनारस कि तुमने नेहरू को कम्युनिस्ट लिखा है। और इसमें सीताराम गोयल जी संघ के ऑर्गेनाइजेशन में नेहरू के खिलाफ एक श्रृंखला लिख रहे थे, उनको एडिटर तक को हटा दिया, मलकानी जैसे एडिटर को हटा दिया गया कि नेहरू को क्यों टारगेट किया, इस्लाम को क्यों टारगेट किया, ऑर्गेनाइजर संघ की। याद रखिएगा ये पुरानी बीमारी है, ये आज की नहीं है जो केवल मोदी को दोष दे, जड़ में मट्ठा डाला हुआ है। मोदी तो पौधा है, उसके फल है, जड़ में सुधार करना है कीटनाशक। बीजेपी इज ट्राइंग टू लुक लाइक कांग्रेस, उस समय लिखा सीताराम गोयल जी ने, वो तो चुनाव लड़ चुके थे। Until Modi is there, the center will remain corruption. After Modi, there will be no difference. मैं एक लाइन भी पढ़ देता हूँ, मैं क्योंकि लोगों को लगेगा कि ऐसे ही कह रहे हैं, सुनिए आपको मैं एक लाइन पढ़ ही देता हूँ। अभी तो कहता हूँ जितना पढ़ोगे उतनी प्रखरता आएगी। देखो ये कहा गया, RSS नेता ने जिनसे मैं कलकत्ते में मिला था और संगठन में अब ऊंचे थे, मुझे ऑर्गेनाइजर में एक लेख माला में नेहरू के विचार तंत्र आइडियोलॉजी पर लिखने के लिए आमंत्रित किया। 5 जून 1961, ये तब की बात बता रहा हूं, इसलिए तब मोदी जी भी नहीं थे, यानी जड़ में गड़बड़ी। 5 जून 1961 के अंक से आरंभ कर इन डिफरेंस ऑफ कॉमरेड कृष्ण मेनन में एकाकी के छद्म नाम से लिख रहा था, एकाकी नाम से, क्योंकि नेहरू एक तानाशाह जैसा बर्ताव करता था, सीताराम गोयल जी के साथ तो किया। बहुत कम लोग जानते थे कि लोक लेखक कौन है, कम से कम मेरे बॉस नहीं जानते थे कि मैंने उनसे अपनी प्रतिज्ञा भंग की है। वे लेख उन लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर पढ़े गए जो समानता ऑर्गेनाइजर नहीं पढ़ते, तो वो भी पढ़ गए। मैं चकित हो गया कि जब एक दिन BJS यानी भारतीय जनसंघ के उस हवाबाज नेता ने मुझे पकड़ा, हवाबाज ये वाजपेयी जी के लिए यूज कर, देश के नेता के बारे में वह सारी बकवास लिखने के लिए मुझे कड़ी से कड़ी खड़ी खोटी सुनाई कि तुमने नेहरू जी के बारे में बकवास लिखा है। इसलिए कहा जाता है वाजपेयी जी को नेहरू जी पसंद करते थे, क्योंकि वाजपेयी जी नेहरू की पूरी पॉलिसी को अडॉप्ट करते थे। और आपको जब कारगिल हुआ, जनरल मानिक परमिशन मांगते रहे कि हमको कारगिल में पीओके में घुसने दो, हमारे सैनिक मर रहे हैं, बोले मर जाने दो, घुसने नहीं देंगे, ऊपर से नीचे से ऊपर चढ़ो। और कितने सैनिक मर गए, क्योंकि नेहरू ने दिया था ना पीओके उनको, तो वाजपेयी जी कैसे पीओके ले सकते थे। अब आप सुनिए, मैंने संपादक से बात की जिसने कहा कि वह लेखक की जानकारी BJS के सर्वोच्च नेता को गोपन नहीं रख सकता था, उसे बताना ही था कि कौन लिख रहा है नेहरू के खिलाफ। और कहा कि उस नेता ने उस बदनाम आदमी से कोई संबंध नहीं रखने के लिए, और कहा कि ये जो बदनाम आदमी है इससे कोई संबंध मत रखो, यानी सीताराम गोयल अगर नेहरू के खिलाफ लिख रहे हैं तो बदनाम आदमी। मैं उस हवाबाज के पास जाकर पूछना चाहता था कि कम्युनिज्म के चरित्र और उसके औजारों को उजागर करने के सिवा मैंने कौन सा अपराध किया है, कितना बड़ा कम्युनिस्ट है। इसलिए भाजपा के घोषणा पत्र में समाजवाद याद रखिए, और इसीलिए उन्होंने 42वें संशोधन को नहीं पलटा, जबकि उनकी सरकार आई तो 42वें संशोधन के अधिकतर चीजों को पलट दिया था, पर समाजवाद और सेकुलरिज्म हमारे गर्दन दबाने के लिए बने हुए। और उसके बाद बता रहा हूं तो जो है कि सीताराम जी आपको नेहरू की सेवा कोई काम नहीं है, उस नेता ने कहा, सीताराम जी आपको नेहरू की सेवा कोई काम नहीं है, आखिर नेहरू ने ऐसा क्या कर दिया जो आप हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हैं। ये भाजपा कह रही है, उस समय की जनसंघ का। तभी तो आज मैं देखता हूं कि महेंद्रनाथ पांडे ने कहा आपने नेहरू को कम्युनिस्ट लिख दिया, ये तो मैं उदाहरण होगी, मैं नहीं है पुस्तक आपका लोकार्पण कर सकता हूं बनारस भाग में, और कार्ड छपा पड़ा है, सुब्रमण्यम स्वामी को लाया गया। तो नेहरू बाद इतने जड़ में है कि नेहरू की तरह वर्ल्ड लीडर बनने के ख्वाब में आधी अधूरी भाजपा जीती है। तो मैं आप सबसे कहूंगा पढ़िए पढ़िए पढ़िए, नहीं तो बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि हर कोई हमें मैं देख रहा हूं हर कोई हमें टहला रहा है, आजादी के बाद से हर कोई हमें टहला, गांधी ने टहलाया आजादी के पहले से। अंग्रेजों को मालूम था कि गांधी हिंदू 1857 में बढ़ चढ़ के हिंदू की ताकत अगर संकित हो गई तो हमें छोड़ना पड़ेगा देश, वो 1-2 लाख कुछ हजार लोगों के साथ भारत पे शासन कर लेते, तो
तो उनको एक ऐसे एजेंट की जरूरत थी जो हिंदुओं को भरमा सके संत होके, क्योंकि भारत का हिंदू अध्यात्म की तरफ ज्यादा मुड़ा हुआ है। तो एक अधनंगा फकीर आया जो वहां पे उनकी भाषा बोलता था, उसके पीछे एक एजेंट पूरा लगाया गया, ब्रिटेन का बड़ा पत्रकार और मीडिया हाउस जिसको फंड किया हमारे दरभंगा महाराज ने, और जिसके पूरे पत्रकार और मीडिया को फंड किया गया कि गांधी को संत बनाओ। वो गांधी ने दरभंगा महाराज को पत्र लिखकर धन्यवाद दिया, वो पत्र मेरे पास है, एक पुस्तक लिख रहा हूं, महात्मा नहीं थे गांधी। जितना सच जानोगे कड़वा उतना ही कड़वाहट बढ़ती जाएगी। मुझे लोग कहते हैं आप क्रोध में क्यों होते हो, क्योंकि मैं सच को जानता हूं। सच तलवार की धार है, मीठा तो आपको शुगर का मरीज बना के रख देगा। मीठा रामकृष्ण परमहंस को जब गुस्सा आता था तो खड़ाऊं फेंक देते थे। तो जो सच जानता है उसकी जितनी आग में घी डालोगे उसकी तपिश उतनी बढ़ती है। मुरझाया हुआ आग से आपको उसमें घी, उसमें लकड़ी सूख चुकी है, वो आपकी तपिश कहाँ से पैदा हो? जिसकी लकड़ी में प्रज्वलित है आग वो तो पैदा होगा। तो जो सच जानता है उसकी आग तो आपको जलाएगी। और इसलिए कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप क्रोध में रहते हो, रहता हूं क्योंकि मैं सच जानता हूं। और मैं आप सबको, सच पे किसी का अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं, सच पे आपका अधिकार है। इसलिए आपको ढूंढ ढूंढ के ऐसी ऐसी पुस्तक ला के दे रहा हूं कि पढ़ो, और जब आप खड़े हो जाओगे ये सारे नेता जीव लटकाए आपके पीछे खड़े होंगे, हर पार्टी का नेता आपके पीछे खड़ा होगा। हमको वोट, हम हिंदू इसकी बात करेंगे, अपने घोषणा पत्र में लिखेगा सब हिंदू हिंदुत्व, हम मथुरा भी खाली कराएंगे, काशी भी खाली कराएंगे, सब खाली कराएंगे। अडवाणी जी ने क्या कहा था कि हम विश्व हिंदू परिषद से ये समर्थन ले लेंगे कि अयोध्या के बाद वो किसी मांग को ना उठाए, मथुरा काशी के मांग को ना उठाए। अडवाणी जी ने कहा, आज क्या भोग रहे हैं, राम जी ने क्या किया? और ऐसे थोड़े जन्ना के मजार पे चले गए थे, ये तो जड़ में मट्ठा डाला, जड़ में मट्ठा।